ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे वाह, कितनी अच्छी और खूबसूरत लड़कियां हैं, कितने सारे इन लोगों के चाहने वाले, भला ये मॉडल बनते कैसे हैं? ये इंटरनेट बला कब काम आएगा, मैं देखती हूँ। आप सही जगह आ गए हैं, आज हम आपको बताएंगे मॉडल बनने का सही तरीका, और जो करने जा रहे हैं इसमें सपोर्ट करें, वरना भूल जाएं आप मॉडल बन सकते हैं। घर वाले वो भला कैसे राधी होंगे, लेकिन राधी तो करना पड़ेगा ना, चलो अदा से जाके बात करती हूँ, शायद मान जाए, अल्लाह करे मान जाए। बाबा सीमा निगम, आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, वो नहीं है वो भैंस जो दूध मिलाती है, पच 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 वैसे। अदा, अरे बाबा जरीना आई हमारे कमरे में। आओ जरीना, क्या बात है? मुझे आप लोगों से ना एक बात करनी है। भला बोलो क्या बात है? अदा मेरे को ना वो मॉडल बनना है, मॉडल। क्या 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 बनना तुम्हें? मॉडल। अरे बाबा पागल तो नहीं हो गई है? हमारे खानदान में कोई मॉडल शडल छोटल वोटल नहीं बनता है। और वैसे भी जरीना, ये मॉडल बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है, समझी? कुछ और बनने की बात करो। अब क्यों भला, मैं क्यों नहीं बन सकती, मेरे में किस चीज की कमी है? जरीना ऐसे नहीं बनते मॉडल, मॉडल बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अरे बाबा क्या फजूल की बहस है, जब मना कर दिया तो बात खत्म। लेकिन भला मेरे को पता तो चले कि मैं मॉडल बन क्यों नहीं सकती। जरीना मॉडल बहुत मॉडर्न होती है, इंग्लिश बोलनी आती है, बात करनी आती है, चलना आता है, बड़ा कुछ करना पड़ता है मॉडल बनने के लिए, और ये सब कुछ तुम्हारे बस की बात नहीं है, इनमें से एक भी चीज तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। मॉडल बनने की कोशिश भी करोगी ना तो 3-4 साल लग जाएंगे। अल्लाह, इसमें कौन सी बड़ी बातें मैं सीख लूंगी? अरे बाबा जरीना तुझे आवाज नहीं आ रही है क्या, बैरी है क्या? एक दफा बोल दिया बात खत्म तो बात खत्म। अदा भला क्या है, मैं जब भी कोई ख्वाहिश करती हूँ तुम मना कर देते हो। अरे तुम अपनी ख्वाहिशें भी तो चेक करो। अरे हाँ बाबा, अब तू चांद पे जाने की ख्वाहिश करेगी तो तुझे वहाँ बड़ा खोल के दूंगा क्या? तुम जाओ अभी अपने कमरे में जाके मेकअप करो और ये मॉडल बनने का ख्वाब छोड़ दो। पता नहीं इसके दिमाग में क्या आ गया। लोगों के घर वाले अपने घर वालों को सपोर्ट करते हैं, और आप लोग में जो भी ख्वाहिश करती हो आप उसके मुखालिफ हो जाते हो। अदा दुआ कहीं जोरू जो गुलाब दी हुई पेट की किसी भी चीज की कोई कदर नहीं है। अल्लाह आप जाता था के। अरे बाबा ये तो पागल हो गई है, पता नहीं कभी कुछ कह दिए, कभी कुछ कह दिए, कभी कुछ कह दिए। तो फारिग दिमाग और क्या करेगा? ये बात भी सही है, लेकिन बाबा मैं भी तो फारिग ही रहता हूँ। मैं तो समझा आप किसी सहेली के साथ बैठी हुई होंगी। क्या हो गया, क्यों इतनी उदास है, किसी ने कुछ कह दिया क्या? जानी वो है ना, मैं अदा के कमरे में गई, मैंने मॉडलिंग की बात की और उनका मूड ही खराब हो गया। अच्छा 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 अच्छा, तो ये बात है। हाँ ना जानी, देखो ना हर किसी के घर वाले उसको सपोर्ट करते हैं और मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। सपोर्ट नहीं, सपोर्ट सपोर्ट करते हैं। अरे हाँ बाबा, जो भी कहते हैं तुमको समझ आ गया ना? ओहो, एक तो यही मसला है, आप सुनती किसी की नहीं है, अब जो मैं कहूंगा ना वो आपने सुनना है। इसका मतलब तुम मेरा साथ दोगे ना? हाँ दूंगा तो, लेकिन एक शर्त है। क्या भला? वो ये कि घर में किसी को पता ना चले कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ मॉडल बनने में। नहीं नहीं, मैं घर में किसी को भी नहीं बताऊंगी, पक्का वादा। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। तो भाई फिर आगाज ऐसे करते हैं कि वो आपकी वो दोस्त है ना, तो वो जो आती है कभी कभी एक्सरसाइज के लिए। हाँ वो जो वर्दिश कराती है ना, वर्दिश। हाँ हाँ वही वर्दिश, वर्दिश के लिए जी। बस तो उनको फोन कर लिया, बुला लें उनको, तो जरा मैं अपनी निगरानी में देखता हूँ कि किस तरीके से आपको वो ट्रेनिंग देती है। हाँ जॉनी, अच्छा आइडिया है ना। हाँ आप फोन करें उसको, मैं जरा घर के काम देखता हूँ। ठीक है, अभी बुलाती हूँ।
अरे हाँ बाबा, थोड़ी सी मोटी हूँ, ज्यादा नहीं हूँ। अभी बुलाती हूँ लोगों को। हेलो सकीना, 1 2 3 कम ऑन स्टार्ट। ओह जया, इस तरह नहीं करना। चलो 1 2 3 वो मैंने आपको बताया तो था। अरे बाबा जरीना, मैंने तुझे मना किया था ना, और ये खवातीन कौन है, मेरे घर में क्या कर रही है? बाबा तुझे नहीं पता क्या मेजदार लोग हैं? शर्म तो आपको आनी चाहिए। क्या मतलब है बाबा? शर्म की बात आप कर रहे हैं, जब आपको पता है कि यहाँ पर लेडीज एक्सरसाइज कर रही है तो आपको अंदर आने की जरूरत क्या थी? अरे बाबा मेरी बात तो सुने, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये सब पता है हमें, ज्यादा मासूम बनने की कोशिश ना करो तुम। ऐसे लोगों की तो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी चाहिए, जब जाके सुधरते हैं। रुको तो मैं अभी बताती। अरे बाबा जरीना समझाओ ना बाबा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं क्यों भला आपकी मदद करूँ, आपने भला मेरा कौन सा साथ दिया है? सब्र करो, तुम्हें तो अभी बताते हैं हम। बड़ा तुम शराफत को बोल रहे थे ना। अरे चले, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। पापा रुको, चला गया है। देखा, ऐसे डील करते हैं घर के मर्दों को। अच्छा ठीक है, तुम्हें अब मॉडल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस अब हम एक्सरसाइज जिम में करेंगे और तुम रोज हमारे साथ जिम जाएगा। बिल्कुल, जैसा हम कहें वैसा करते जाओ। चलो साथ आ जाओ। जो नो कर वो जा कर भी, अंदर भी है बाहर भी। नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा। भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, लगा के रखा है रट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। हाँ। अरे तुम भाग के यहाँ कहाँ गई हो, हम कब से तुम्हें बाहर ढूंढ रहे हैं। अरे बाबा इतनी मुश्किल से तुम्हें घर से बाहर निकली हो, या तो भला मेरे को मेरी मर्जी करने दो। मर्जी सिर्फ मॉडलिंग में चलती है, यहाँ नहीं चलती। मॉडलिंग करना है शादी करने से भी ज्यादा मुश्किल है। हाँ, सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है, खाने पीने का भी ख्याल रखना पड़ता है। अरे वो तो देखो मैं कितना अपना ख्याल करती हूँ, बहुत खाती हूँ बहुत। यही तो नहीं करना तो भला फिर क्या करना है? वो करना है जो हम कहेंगे, तो तुम बस वो करती जाओ खामोशी से, ठीक है? अरे भाई मैं जो भी वर्दिश करती हूँ, तुम लोग मेरे को पकड़ के कभी इधर ले जाते हो कभी उधर ले जाते हो, मेरे को मेरी मर्जी से भी तो भला करने दो। चलो चलो हम तुम्हें बताते हैं। यार बच्चों तुम बहुत अच्छे इंसान हो। हाँ बाबा वो तो मैं हूँ। ऐसा क्या कर दिया इसने? अरे बाबा तुम लोगों से दोस्ती की है, तुम लोगों को यहाँ बिठाए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? अबे नहीं ये बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा फिर? यार तुम गांव से आने के बाद भी कितने खुले दिल और सोच के मालिक हो। अब बाबा मैं पैसे नहीं दूंगा उधार, पहले ही बता रहा हूँ। अबे मुझे मालूम है ये अपना बुखार भी किसी को नहीं देता। नहीं नहीं बाबा, बुखार तो तुम जब दिल चाहे आके ले जाओ बाबा, बल्कि एक काम करूंगा जब बुखार होगा ना तब बुला लूंगा, पूरा ले जाना। अरे भाई मेरे कहने का मतलब है हमारी भाभी यानी तुम्हारी वाइफ माशाल्लाह बिजनेस संभालती है। हाँ बाबा इसमें खुले दिमाग और दिल की क्या बात है बाबा, वो तो है ही शेरी और मेरे से अच्छा बिजनेस करना जानती है, तो वो ही कर ले, अच्छी बात है ना। लेकिन तुम्हारी बहन? अरे बाबा मेरी बहन को कौन सा बिजनेस बर्बाद करते हुए देख लिया तुम लोगों ने? बिजनेस नहीं, उसको मैंने देखा है आज, वो तो जिम जा रही थी अपने दोस्तों के साथ। चल यार ये तो अच्छी बात है ना, बच्चू को देख सब लोगों को इनसे अकल लेनी चाहिए, कितने खुले दिल का आदमी है। अरे बाबा क्या बकवास कर रहे हो? अरे बकवास नहीं भाई, मैंने भी यहाँ आते हुए देखा उसको, वो जा रही थी अपने दोस्तों के साथ। अरे बाबा तुम लोग उसको देख ही नहीं सकते। क्यों बदरू है वो? अरे बाबा वो एक तो घर से बाहर निकलती नहीं है, और जब घर से बाहर निकलती है तो बुर्का पहन कर निकलती है। अरे भाई क्या हो गया, बुर्का बुर्के की बेबी नहीं थी उसमें, मैंने देखा है। अरे बाबा क्या बात करते हो, ये बताओ मुझे कि वो जिन कौन है जिसके पास है तुमने उसको देखा है? जिन नहीं, जिम की बात करे जहाँ पे वर्जिश होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता बाबा। अरे नहीं बाबा ऐसा हो सकता है, उसको आजकल भूत चढ़ा हुआ है। अभी तुम जिन भूत की बात कर रहे हो, हम जिम की बात कर रहे हैं। अरे बाबा चुप करो।
हाजरीना, अरे बाबा तुम जिम्मे में है क्या? बाबा फौरन 5 मिनट के अंदर अंदर घर वापस आओ बाबा। नहीं बाबा नहीं, क्लास खत्म होने का इंतजार नहीं करना, जल्दी आओ वरना मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ बाबा। हाँ फौरन। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। ये ले जी, गर्मा गर्म चाय। जहर पिला दो मुझे। क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही? हाँ तो और क्या कहूँ, देखा नहीं तुमने कैसा निकला तुम्हारा प्लान? ओहो, एक ही प्लान नाकाम हुआ है ना, काफी सारे प्लान है मेरे पास। अच्छा चलो भला ठीक है, बताओ। आप जाके तैयार हो जाए अच्छी तरह। क्यों भला, हम कहीं जा रहे हैं? हाँ जाना थोड़ी है, तैयार हो जाए। आपकी तस्वीरें खींच के ना नेट पे मैं डाल दूंगा एक अच्छी सी मॉडलिंग एजेंसी के पास, फिर मैं देखता हूँ कौन रोकता है आपको। तो भला ये तरकीब पहले ही बता देते तो इतना तमाशा ही नहीं होता। अब मैंने बता दिया ना, तो तैयार हो जाए ताकि मैं तस्वीरें खींच सकूं। अच्छा चलो ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूं। एक मिनट, शादी वाला तैयार नहीं होने? क्या मतलब? मतलब मॉडलिंग वाला, स्टाइलिश किस्म का, समझ रही ना? हाँ मॉडल 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 टाइप का ना। ठीक है एक काम करें, चाय याद से मिले। और भी जगह जाने जानी। हाँ? ये सब बुला क्या है? अरे तुम्हें बताया नहीं था वो तस्वीरें बनवानी थी मॉडलिंग के लिए, उसलिए। जानी मेरे को बहुत शर्म आ रही है। हाय हाय, मॉडलिंग और शर्म का दूर दूर तक आपस में कोई ताल्लुक नहीं। अब तुम जल्दी करो, ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए। जल्दी कर लो उस्ताद, और भी जगह जाने, मॉडल का है। मॉडल? ये रही मॉडल, ये देखो। जानी ये ऐसे क्यों रहा है? अरे कुछ नहीं मैडम, आप यहाँ पर आ जाए। बात सुने जी, इधर आए। आपकी शादी हो गई? अरे उस्ताद ये कौन है डायरेक्ट मुझ पे फायर मार रही है? एक मिनट, इधर आना, इधर 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 इधर। ये इस पे तवज्जो नहीं देनी, काम पे तवज्जो देनी है। अच्छा अच्छा सही है सही है। जाओ 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 जाओ, इधर आ। चल। अरे उस्ताद आप तो यहाँ पर आओ, मुझे काम तो करने दो। इधर आओ उस्ताद, इधर आओ, इधर आओ उस्ताद, जल्दी। हाँ ठीक है, पोस्ट करो भाई। लाइट दो, लाइट दो। ठीक है ऐसे देखें, वहां देखें। ठीक है ऐसे हाथ ऊपर करें। जबरदस्त। अरे बाबा ये क्या हो रहा है? ये माली को तो बाहर निकालो यार। हेलो, ये मालिनी मेरे शौहर है, इस घर के मालिक। चलो बाबा बाहर जाओ। चलो जरीना तू अंदर जा बाबा। मगर अदा नहीं, तुम्हारे अदा क्या कह रहे हैं, अंदर जाओ। जाने मॉडल तो आप है, लाइट देकर। मॉडल तो आप है, आपकी तस्वीरें बना दूं? है वाकई, मैं अभी तैयार होके आती हूँ, रुकना। हाँ जाना नहीं। अरे बाबा इसको मैं छोड़ूंगा नहीं जानी, पकड़ा जानी इसको। चला चला, ये लाइट में रख लूंगा बाबा, नहीं दूंगा। बच भैया आराम से, आराम से। यार भैया वो लाइट तो दे दो यार। तुमको लाइट चाहिए? आओ लो हमसे लाइट लो, आओ आ तुम्हारी। अरे 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 अरे, अब क्यों उदास हैं? उदास क्यों ना हूं, काम तो हुआ नहीं। किसने कहा कि काम नहीं हुआ? अच्छा क्या मतलब? अरे भाई आया था ना, इतनी सारी तस्वीरें तो खींच गया वो। अच्छा तो बस तो काफी होती है मॉडलिंग एजेंसी को, इतनी तस्वीरें भेज रहा। ओहो फिक्र करे ही ना, समझे कि काम हो गया। अच्छा एक मिनट, उसी फोटो वाले का एक। हेलो, हाँ अच्छा कर दे। अच्छा अच्छा ठीक है, बड़ी बड़ी मेरी बड़ी मेहरबानी। ओके भाई, फोटो वाले का था, कह रहा है कि तस्वीरें बन गई है और मैंने सेंड भी कर दी। अभी बस मैं जाता हूँ, जैसे मुझे मिलती है ना मैं मॉडलिंग एजेंसी को ऑनलाइन सेंड करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है चलो मैं देखता हूँ। ठीक है अब देखना, मैं अपने घर वालों के खिलाफ इंटरव्यू दूंगी कि मेरे घर वाले मेरे खिलाफ थे और मैं टॉप मॉडल बन गई। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं मॉडल बन गई। इस साल का बेस्ट अवार्ड मिलता है मिस जरीना के लिए। पुट योर हैंड्स टुगेदर, मिस जरीना। ये तो सब कुछ सच होने वाला है।
अरे मैडम मुबारक हो, मुबारक हो। अरे पापा किस बात की, जल्दी बताओ। वो मॉडलिंग एजेंसी थी ना जिसको तस्वीरें भेजी थी मैंने आपकी, उनका जवाब आ गया है। क्या कह रहे हैं वो लोग? वो कह रहे हैं हमने आप लोगों के साथ इश्तेहार करना है। क्या वाकई? जानी मजाक तो नहीं कर रहे हो? मेरा आपका मजाक है क्या? अरे मैं सच कह रहा हूँ। मगर उन्होंने एक बात पूछी कि पहले इन्होंने काम किया कि नहीं किया। अच्छा भला फिर तुमने क्या कहा? मैंने सोचा कि नया फेस समझ के वो इनकार ना कर दें, तो मैंने कहा हाँ किया है। जानी भला हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं कि घर में ना मुख्तलिफ इश्तेहारात की प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा और उनको शक भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, बलब इश्तेहार किस चीज का है? देखो जानी मैं बता रही हूँ, मैं किसी बकवास इश्तेहार में काम नहीं करूंगी। हाँ बता दिया। अरे जो मिल रहा है वो कर ले, वैसे बेकार क्यों होगा, अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। आओ मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराता हूँ। हाँ जानी मेरा काम पूरा हो गया है। इसको ठीक है, इसको ऐसे स्टाइल से पकड़ना है और इस तरह करो, पकड़ो जरा। सारों को ऐसे ही पकड़ना है क्या? हाँ ऐसे लेकिन छोड़ो, तो ये है ऑयल। हाँ थोड़ा थोड़ा, एक मत बता, ये चीज। अच्छा ये ऐसे बिल्कुल इसके साथ पकड़े और यू गिराना नहीं नीचे, ये ला ये करो ऐसे। अरे ऐसे नहीं ना, अरे पापा ये यू रुको। अच्छा ऐसे ये ऐसे। हाँ जो अभी प्रैक्टिस करते हुए जो गलतियां हुई ना वो एड वालों के सामने मत करना। अब हाँ बाबा, मैंने इसीलिए तो इतनी मेहनत की है कि उनको ये ना लगे कि मैं पहली दफा इश्तेहार में काम कर रही हूँ। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। ज़रीना हाँ बाबा, मॉडलिंग का भूत उतरा नहीं उतरा? जी अदा बाबा, उतर गया उतर गया। हाँ बाबा तो फिर होली अभी ठीक करो ना। हाँ कर लूंगी कर लूंगी। जानी खबरदार, अगर तुमने अब इसको कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं बेफिक्र हो जाए, मैं क्यों पढ़ाऊंगा पट्टियाँ। अच्छा बाबा हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, घर का भी ख्याल रखना और ज़रीना का भी। आते हुए ना बच्चू भाई खाना पार्सल करवा दीजिएगा, भूख का ही रहेगा। चलो हर वक्त अच्छा तो मॉडल कहाँ है? अबे इतनी बड़ी मॉडल तुझे नजर नहीं आ रही क्या? है ना जी जी। तो इतनी फजूल की शोएना, मारे बुरा लग रहा है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? चलें फिर काम शुरू करें। जी 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 करें। ये क्या कर रहे हैं? ये जो बड़े डायरेक्टर होते हैं ना, फ्रेम बनाते हैं पहले, ये चीज। अच्छा 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 ठीक है। हाँ सदाकत कैमरा रेडी है ना? हाँ भैया बाहर जाए। अरे बला मेरे को भी बताओ मैंने करना क्या है। सबर करना है, डी भाई है ना, ये अभी हम ये बताएंगे जी। मैडम ये कमाल का कमर्शियल है, थ्रू आउट द वर्ल्ड चलेगा, खुश हो जाएंगी आप, अभी आपको बताते हैं। हाँ जुल्फी ले आ। मैडम ये बहुत खास चूरन है और ये खाकर आपको कहना है वाह क्या बात है इस चूरन की। वाह डी भाई क्या आपने बताया, दोबारा जरा बताए। मैडम आपने खा के बोला है वाह क्या बात है चूरन की, ठीक है ये दे।
मैं भला के चूरन का कमर्शियल करूंगी, क्या बकवास कर रही जानी ये? शुरू में इसी तरह के ऐड होते, बाद में जब आप मशहूर हो जाएंगी ना तो बड़े बड़े ऐड मिलेंगे आप। अरे बकवास बंद करो, मैं नहीं करूंगी ये कमर्शियल बकवास, चलो यहाँ से और तुम निकलो यहाँ से। मैडम ये बहुत कमाल का कमर्शियल, कैसे मना कर सकती है आप? जानी क्या कह रही है मैडम यार, सही बात है। अरे नहीं करना तो नहीं करना, चलो निकलो यहाँ से, चूरन का कमर्शियल कराएगा, चल निकल निकलो यहाँ से। अच्छा आराम देखिए, डिलीट कर देना जो कुछ रिकॉर्ड किया। तुम भी निकलो। मुझे तो जाने, अंदर आने दो। नहीं तब आओ जाओ तुम भी। अच्छा। अरे क्या हो गया, अब तू यहाँ क्या कर रहा है? लाइट लेके जा। तब आओ। लाइट आ गई। सॉरी 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 मैडम सॉरी, देखे शुरुआत में थे, मैं समझा आप इस तरह के ऐड कर लेंगी आप, चलो मुझे माफ कर दे। नहीं करना मुझे कोई कमर्शियल, इससे तो बेहतर है कि मैं घर में ही बैठ के बर्तन धो। जाने तुमने बहुत दिल दुखा दिया मेरा। जरीना ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और गुस्से को ठंडा करें आप। कितनी मेहनत की, वो भी एक चूरन के लिए। चलिए माफ कर देना, एक मौका और दे दे, अब मैं जबरदस्त किस्म का ऐड लेके आऊंगा। अगर नहीं लेके आए ना तो फिर देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है ठीक है, चाय तो पिए ना अब। हाँ ठीक। हेलो जी जी जी, हाँ हाँ इश्तिहार मैंने दिया था, मॉडल है बिल्कुल है। हाँ नहीं, हाँ करेंगी क्यों नहीं करेंगी ऐड, मसला ही नहीं। हाँ नहीं नहीं कोई मसला नहीं, हाँ कर लेंगे पक्का। अच्छा आप पक्का करें ना, आपकी तरफ से पक्का है? चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी कॉल बैक करता हूँ आपको, ठीक है? ओके भैया ओके। मैडम जबरदस्त किस्म का इश्तिहार हमें मिल गया है। किस चीज का? शेविंग क्रीम का। शेविंग क्रीम का, और तुमने हाँ कर दी? तो इसमें क्या है बताती हूँ मैं अभी। कोई काम नहीं करती, सारा दिन बस आराम करती रहती है। चाय पीती है तो एक चाय का कप नहीं उठाती, खाना खाती है तो बर्तन नहीं धोती, पता नहीं मेरा मुंह कैसे धो लेती है। जानी देखो तुम्हारे सामने कितनी बदतमीजी कर रही है मुझसे। मैं साइड पे हो जाता हूँ। तुम ये बताओ कि तुम यहाँ से जा कब रही हो? रुको मैं अभी बाबा साहब को फोन करती हूँ, वो ही तुम्हें आके ठीक करेंगे। आधा तो तुम्हारा गुलाम हो गया है। मैं भी जानता हूँ तुम सेठ हसमत है बाबा। आप दोनों बातें ही करते रहोगे, मारेंगे नहीं क्या एक दूसरे को? मैं इसको मार दूंगा, लेकिन एक बात मैं सोचता हूँ जी। क्या? फिर ये मुझे मारेगा ना? देखो सरीना तुम अपने हद में रहो, वरना मैं बदमाशन बुला लूंगी। बुला लो, मैं भी अपनी एक दोस्त बदमाशन को बुला लूंगी। एक मिनट बाबा एक मिनट, ये बदमाशन कैसी होती है? मैंने तो नहीं देखा आज तक। अरे बदमाश की बीवी बदमाशन होती है। कब आए और ये कौन है? ये मेरा मंगेतर जी। जी अरे साहेब दिमाग ठीक है, मैं काम वाली हूँ, कोई इनकी मंगेतर शंगेतर नहीं हूँ। पापा जल्दी आए, यहाँ लड़ाई शुरू हो गई है। तो शुरू करा ना लड़ाई। स्टार्ट शुरू करने का। हाँ शाबाश, अब तुम इधर हो जाओ, अब तुम इधर हो जाओ। मैं तो पापा, ओ तुमने मेरे पापा को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोडूंगी। मुझे बताएं कि मसला क्या, आप क्यों आई हैं? सरीना ने मुझे बुलाया, कोई तंग कर रहा है उसे, और मुझे सीमा ने बुलाया, उसे भी कोई तंग कर रहा है। आप दोनों को कोई तंग नहीं कर रहा? अरे बाबा लेकिन आप दोनों हैं कौन? प्रोफेशनल बदमाशन है हम, और क्या? इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है बट्टा सट्टा। जो नो कर वो जा कर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।